Bismillah Rahman Rahim. I am Bushra Sardar from Behria College DHA. Today I will explain disorders of kidney. The objective of this lesson is to understand the disorders of kidney. There are many different kidney disorders such as kidney stones and kidney failure, etc. Kidney stones. Kidney stones are hard deposits made of minerals and salts that form inside the kidneys. मतलब किडनी स्टोन्स एक बिल्कुल पत्थर की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं. व्हेन यूरिन बिकम्स कंसंट्रेटेड, जबकि यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम ऑक्सिलेट एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, इन सब सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स जो है वो बन जाते हैं. और ये क्रिस्टल्स जब बहुत ज्यादा लार्ज हो जाते हैं, देन दे कैन नॉट पास इन द यूरिन एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स. जमा हो के ये क्रिस्टल्स जो है वो एक पत्थर की तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, इसलिए इन्हें किडनी स्टोन्स कहा जाता है. मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी, सम मे ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर. यानी मेनली ये किडनी में ही, इनसाइड द किडनी ही बनते हैं, लेकिन कभी कभी ट्रेवल करके यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में भी पहुंच जाते हैं और वहां पर डैमेज कॉज करते हैं. कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स. मेनली जो कॉजेज हैं किडनी स्टोन्स के, दैट इज डाइट एंड एक्सेस बॉडी वेट. कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिसमें किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, या फिर जो है वो कुछ बहुत ज्यादा सर्टेन सप्लीमेंट्स या मेडिकेशंस लेने से, यानी ओवर डोजेज ऑफ मेडिसिन लेने से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं. डाइट में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर में शो किया गया है कि हाई ऑक्सिलेट फूड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि स्पिनच, पालक वगैरह है, या फिर दूसरी कुछ फ्रूट्स हैं या नट्स और सीड्स भी कॉज करते हैं किडनी स्टोन्स. ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किडनी स्टोन्स कॉज कर सकता है. सो किडनी स्टोन is caused by diet, excess body weight or some other medical conditions. The treatment of kidney stones. About 90% of all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water. ये आपकी भी कॉमन एक ऑब्जर्वेशन में है कि जब किसी पर्सन को किडनी स्टोन्स की वजह से पेन हो रहा होता है तो उसे पानी ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, प्लेन वाटर, या फिर जो है वो लस्सी या अदर सब्सटेंसेस की फॉर्म में उसे प्लेंटी ऑफ वाटर दिया जाता है, ताकि पानी के प्रेशर की वजह से, ज्यादा यूरिन के प्रेशर की वजह से जो स्टोन्स हैं वो रिमूव हो सके. लेकिन अगर किसी के स्टोन्स इस तरह से रिमूव ना हो सके तो फिर सेकेंड ऑप्शन है सर्जिकल ट्रीटमेंट. इफेक्टेड एरिया को ऑपरेशन के जरिए ओपन किया जाता है और स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाता है. लेकिन चूंकि ये एक बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल था, इसलिए अब साइंस की एक और टेक्नोलॉजी के साथ इसको रिमूव किया जा सकता है, विच इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी. In this method, non-electric shock waves from outside are bombarded on the stones in the urinary system. मतलब non-electric shock waves, कुछ alpha, beta, gamma rays जो है उनकी मदद से इसकी जिस जगह पर stone होता है वहां पर outside the body से वहां पर bombardment की जाती है उन waves की, और उनकी वजह से जो internal side पे stone होता है वो बहुत बारीक बारीक sand की शक्ल में convert हो जाता है और फिर वो यूरिन के जरिए रिमूव हो जाता है अब आसानी बॉडी से. इट इज अ लेस पेनफुल मेथड, सो नाउ आर डेज इट इज वेरी कॉमन. द नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ किडनी इज किडनी फेलियर. किडनी फेलियर मींस अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन. यानी मुकम्मल तौर पे या कुछ हिस्सा किडनी का काम करना अगर छोड़ देता है तो इसे किडनी फेलियर कहा जाता है. कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर. सम ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर आर डायबिटीज, मिलाइटस एंड हाइपरटेंशन. यानी शुगर और बीपी का प्रॉब्लम जो है वो एक कॉज हो सकते हैं किडनी फेलियर का. कभी कभी ब्लड सप्लाई टू किडनी जो है उसमें अगर कोई सडन अचानक इंटरप्शन हो जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और डिजीज की वजह से, तो वो भी जो है वो किडनी फेलियर का कॉज हो सकता है. ड्रग ओवरडोजेज. कोई ड्रग
मेडिसिन के तौर पे या जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं उनमें से अगर किसी की ओवर डोजेज हो जाए तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम्स भी किडनी फेलियर कॉज करते हैं, यानी किडनी के जो रास्ते तक पहुंचने के लिए ब्लड को जिन एरियाज से गुजरना पड़ता है, जिन वेजल्स से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद किडनी से जो यूरिन की एक्सक्रीशन है अगर वो भी प्रॉपरली नहीं होती है तो फिर भी किडनी फेलियर हो सकता है। तो डिफरेंट यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि कॉज करते हैं किडनी फेलियर। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इसे ट्रीटमेंट के लिए दो डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं, एक है किडनी ट्रांसप्लांट और दूसरा डायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांट, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद अ डोनर्स हेल्दी किडनी, यानी किसी पर्सन का हेल्दी किडनी पेशेंट को लगा दिया जाए और उसका जो डिजीज्ड या डैमेज किडनी है उसे रिमूव कर दिया जाए। लेकिन ये एक बहुत एक्सपेंसिव मेथड है और इसमें अक्सर डोनर्स मिलना मुश्किल होता है, कोई भी अपना किडनी डोनेट करने के लिए बआसानी तैयार नहीं होता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई रिप्लेसेबल किडनी नहीं मिलता है, तो तब तक के लिए एक मेथड है दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस इज द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, यानी आर्टिफिशियल तरीके से किडनी का काम लिया जाता है। एक डायलाइजर एक मशीन है जिसके जरिए से किडनीज का ब्लड जो है उसे क्लीन किया जाता है। देर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ डायलिसिस, नंबर वन पेरिटोनियल डायलिसिस एंड नंबर टू हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, इट इज अ टाइप ऑफ डायलिसिस विच यूजेस द पेरिटोनियम इन अ पर्सन्स एब्डोमेन एज द मेम्ब्रेन थ्रू विच फ्लूइड एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस आर एक्सचेंज्ड विद द ब्लड। डायलिसिस, इस टाइप के डायलिसिस में पेरिटोनियम को एक मेम्ब्रेन के तौर पर कंसीडर किया जाता है जहां से फ्लूइड एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस को एक्सचेंज किया जाता है विद ब्लड। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम एंड मस्ट बी डन एवरी डे। इस टाइप के डायलिसिस में डायरेक्ट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं इन द टमी या एब्डोमेन में, इंजेक्शंस लगते हैं और ये जो है मेथड इसको डेली करने की ज़रूरत होती है। अगर एवरी डे इस टाइप का डायलिसिस ना किया जाए तो किडनीज की वर्किंग पे इफेक्ट हो सकता है। सेकंड मेथड है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इज अ मेथड इन विच पेशेंट्स ब्लड इज पम्प थ्रू एन अपैरेटस कॉल्ड डायलाइजर। इस टाइप के प्रोसेस में पेशेंट का ब्लड जो है वो एक मशीन में से गुजारा जाता है जिसे डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर में लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं द वॉल्स ऑफ विच एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। द क्लीन ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू बॉडी। तो ये एक टिपिकल मेथड है हीमोडायलिसिस का जिसे घर पे करना पॉसिबल नहीं है, इसे करने के लिए किसी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। सो इसके लिए पेशेंट को किसी ऐसी जगह पर जाकर डायलिसिस करवाना पड़ता है जहाँ पर के एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं और वो इस डायलाइजर मशीन के ज़रिए ब्लड को क्लीन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। टूडेज होमवर्क इज यू हैव टू राइट अ नोट ऑन द किडनी स्टोन्स एंड यू हैव टू लर्न द किडनी फेलियर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।